चलिए एक और बेस्ट स्टूडेंट से मिलते हैं गौरव कुमार से जिनका ऑल इंडिया रैंक 187 है जिनको एनआईटी सूरत कल अलॉट हुआ है और गौरव बिहार से हैं तो गौरव सबसे पहले एनआईटी सूरत कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू सर माय नेम इज गौरव कुमार आई एम हाँ आई एम फ्रॉम सहरसा डिस्ट्रिक्ट बिहार ओके आई पटना साइंस कॉलेज ठीक है तो गौरव आपने ये बी फाइनल के साथ रैंक अचीव की है और बहुत अच्छी रैंक अचीव की है ऑनलाइन स्टडी किए घर पर रहते हुए ये बड़ी सफलता है हमारे लिए कि हमने अपने आप को एक साल बचाया भी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की है इम्पीटर्स गुरुकुल में मैंने हमेशा देखा जो बच्चा जब ज्वाइन करके एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करता है एक अच्छा रिजल्ट देता है तो गौरव आपने सबसे पहले तो निमसेट के लिए कब सोचा था और आपने उसके बाद कैसे प्लान किया और आपकी सक्सेस जर्नी सक्सेस स्टोरी क्या है मैं चाहूंगा आप डिटेल में बताएं सर प्लान फर्स्ट लॉकडाउन में सर और क्यों मैं लेट प्लान किया था सर सितंबर में मैं क्लास ज्वाइन किया था जून जुलाई में कन्फ्यूजन था जो कहां से करे ऑनलाइन हो पाएगा नहीं हो पाएगा फिर सर यूट्यूब पे सर आपका वीडियो देखा हुँ? सर फिर तब उसके बाद सर आपसे कांटेक्ट किया तो आप सर एक्सेस दिए सात दिन का उसके बाद सेप्टेम्बर में मैंने क्लास ज्वाइन किया और अक्टूबर में सर मेरा सेकेंड ईयर का एग्जाम था कॉलेज में उसकी वजह से फिर सर अक्टूबर में हमको थोड़ा सा छोड़ना पड़ा ये पढ़ाई फिर एक्चुअली सर मेरा मिड नवंबर के बाद अच्छे से पढ़ना स्टार्ट हुआ सर और मैं डेली छ से सात घंटा डेली कांस्टेंट वो पढ़ता था सर क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम है लेट पहले ऐसे ही हो चुका था मेरे पास पहले का वीडियो लेक्चर्स भी था और आगे भी कंटिन्यू करना था क्लास लेक्चर्स के साथ रहना था सर तो उस स्ट्रेटजी से दो लेक्चर एक लेक्चर पीछे का और एक लेक्चर जो करंट चल रहा है टॉपिक उसका करते जाता था सर और फिर ऐसे ही ऐसे ही दो दो चैप्टर आगे करते गए और सर मैं टेस्ट कभी नहीं मिस करता था क्योंकि अगर टेस्ट नहीं पढ़ा हो तब भी टेस्ट देता था और उसको एनालाइज करता था किस टाइप का क्वेश्चन किस लेवल तक का क्वेश्चन आता था उसे ये पता था चलता था सर और सर लास्ट का एक मंथ मेरे लिए सर वो एक बूम बूम ये था सर वो लास्ट के एक मंथ सर जो मेरा स्ट्रेटजी और जो मेरा तैयारी था सर नौ से दस घंटा डेली पढ़ता था सर दो टेस्ट देता था डेली और सबसे इम्पोर्टेंट सर मैं जूनियर को ये बताना चाहूंगा सर कि टेस्ट पेपर देना है और उसको जितना एनालिसिस हो सके उतना करना है सर तो गौरव एक बात आपने बहुत अच्छी बोली अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है टाइम कम है तो मैं उनको बोलता हूँ दो एंड पे पढ़ाई करनी है करंट एंड पे जो चल रहा है और एक बैक हैंड पे जो पीछे के है टॉपिक्स हैं वो कवर करना है आपने भी अभी भी एक बात बहुत अच्छी बोली कि आप करंट के साथ साथ पीछे का भी करते थे और टेस्ट जरूर देते थे बिल्कुल भी भी. यही मैसेज मैंने आपको भी दिया था और यही हर बच्चे को देता हूँ कई लोग सोचते हैं कि मैनेज नहीं होगा पर मुझे लगता है कि मैनेज करने वाला कर सकता है तो आपका खुद का मैनेजमेंट क्या था ये बताओ क्योंकि आपने वो बात बोली जो आज बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर पहले तो मैं सारा जो भी रिसोर्स आता था पीडीएफ आता था सबको सर मैं निकाल के पीडीएफ फॉर्म प्रिंट आउट करवा लेता था सर और मैं एक सेंचुरी के पेपर एक फोर पेपर साइज ले लिया था सर सारा नोट सारा सॉल्यूशन उस पर लिखता था और उसके पीछे स्टेपल करके रख देता था सर ठीक है और हाँ और सर इसमें सर करंट टॉपिक भी चलता था प्रीवियस टॉपिक भी चलता था करंट टॉपिक ये प्रीवियस टॉपिक में था सर जो स्किप करके भी चल सकते थे थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते थे उसमें क्योंकि रिकॉर्डेड रहता था तो सर फास्ट करके देखते थे आपको हम ब्लाइंडली फॉलो किए जो भी रिसोर्स था उसी को सिर्फ बनाते थे उसी को सिर्फ उसी से सारा डाउट भी क्लियर हो जाता था उसी में सारा चैप्टर कम्प्लीट हो जाता था और वो पीडीएफ फॉर्मेट में निकाल के जो जिरोक्स करवा के उससे अटैच करते थे लास्ट टाइम पे वो चैप्टर बनाने की कॉपी नहीं ढूंढना पड़ता था सर वो पेज उठाए उठाए डीपीपी वो देखे जो प्रॉब्लम हुआ उसके पीछे बना हुआ है सर सोल्यूशन उसका था मेरे पीछे उसी रिसोर्स को हम दो बार बनाए ओके okay. तो ये बताओ कि आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप दोनों एंड पे चलते थे प्रॉपर नोट्स बनाते थे टेस्ट पेपर देते थे यही सबसे बड़ी किसी इंसान की सफलता हो सकती है कभी मन में ऐसा नहीं लगा टाइम कम है क्या होगा क्या नहीं होगा ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि जब बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है और जो मुझसे आजकल हर बच्चा पूछता है तो आपसे इस तरह के मन में थॉट आते थे कि नहीं 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 सर ऐसा थॉट्स नहीं लाता था सर पहले स्टार्टिंग में, में मेरे रैंक भी कम आती थी सर हंड्रेड के आसपास रैंक रहती थी पर मैं कभी डिप्रेस नहीं होता था हमको लगता था तो मैं कर लूंगा तो फिर देखो यही एक बिलीफ सिस्टम है जो काम करता है कि आपको लगता था आप कर लोगे और आपने कर भी दिखाया यही एक चीज है जो हर बच्चे को काम दिमाग में रखना चाहिए इसी से सर में, में टाइम पढ़ पाता था सर वो पढ़ता था दस से घंटा डेली चलो ये बहुत ही अच्छी बात है तो गौरव एक बात बताइए आपने क्योंकि काफी चीजें अनुभव से सीखी हैं समझा है और आपने इम्पीटर्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया सारी बातों को सुना तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे सर यही कि सर टेस्ट पेपर दो उसका जितना ज्यादा एनालिसिस हो सके उतना ज्यादा एनालिसिस करना है एक बार अभी टेस्ट पेपर दिए फिर से उसको लास्ट टाइम की उसका एक प्रॉपर एक कॉपी में अलग से उसमें जो जो क्वेश्चन में डाउट हुआ वो नोट डाउन करके लिखना है। और उसको लास्ट टाइम पे फिर से उस टेस्ट को देना है और, और मॉक टेस्ट स्पेशली मॉक टेस्ट उसको सर ये okay. टेस्ट पेपर एनालिसिस बहुत हेल्प करेगा तो चलिए गौरव आपने काफी अच्छी बातें बताई बहुत शॉर्ट में आपने अपनी सक्सेस जर्नी बताई पर आपने बहुत शॉर्ट में बताने के बाद भी वो सब एक इंपॉर्टेंट मैसेज हर बच्चे को दे दिया कि उसको एक बात का ध्यान रखना है कि लेट हो गए हो भले ही पर कोशिश करें तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा दूसरा सिलेबस कवर करना ही पड़ता है एक ग्रेजुएट लेवल पे मैच्योरिटी आ जाती है हमें यह समझना पड़ेगा कि भले हम लेट हों चाहे जल्दी हो पर हमें अपने आप को पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा आपने रोज सात छह सात घंटे पढ़ाई की और एग्जाम तक आते, आते आते आपने दस ग्यारह घंटे पढ़ ली यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी निशानी है यस सर और सर हम सर जूनियर्स को यह बोलना चाहेंगे सर बहुत जूनियर्स मैसेज करते हैं कहाँ से आर डी शर्मा बनाए ये बनाए

thank you thank you sir thank you beta